अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल यमी किचन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ छिपकली भगाने के लिए ऐसी टिप्स जो बहुत ही ज़्यादा असरदार होते हैं, और यकीन मानिए इससे बिल्कुल भी छिपकली घर में नहीं रहती, भाग जाती है छिपकली। तो इस टिप्स के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह से गोटा लहसुन ले लेंगे और प्याज ले लेंगे, और इस तरह से जो प्याज और लहसुन की जो स्मेल होती है वो छिपकली को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो इस तरह से हम प्याज और लहसुन को ले लेंगे, ये देखिए, और इसको छील लेंगे, काट लेंगे, और इसको इसका जो रस है हम निकाल लेंगे। इससे क्या होता है, जो छिपकली होती है उनको इसका रस बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसका रस निकाल लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम प्याज और लहसुन का इस तरह से रस निकाल लेंगे, और इसको यूज़ इस तरह करना है हमें कि हम कोई सा भी कॉटन ले लें या कपड़ा ले लें छोटे छोटे काट कर, और इसमें डिप कर लेंगे हम कपड़े को या कॉटन को। ये देखिए, रस हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद से हम कॉटन या कोई कपड़ा ले लेंगे और इसमें डिप कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम डिप कर लेंगे। और इसको हम 7-8 जगह अलग अलग कोनों पे रख देंगे, जहाँ जहाँ आपको छिपकली दिखती है वहाँ हम इसको रख देंगे। इस तरह से इसका रस जो है इसमें सारा आ जाएगा, और छिपकली जो होती है इसको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। प्याज और लहसुन की स्मेल छिपकलियों को बिल्कुल पसंद नहीं होती, जहाँ भी होंगी या तो वो गिर जाएंगी या भाग जाएंगी, वो घर में नहीं आएंगी। और छिपकली भगाने के लिए एक और टिप्स है, बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है ये भी टिप्स, कि आप जो घर में मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन ऑयल होता है, वो इस तरह के स्प्रे बॉटल में ले लें। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम स्प्रे बॉटल में केरोसिन ऑयल ले लेंगे, और इसको आप जहाँ भी छिपकली दिखे वहाँ पे स्प्रे कर दें। देखिएगा, छिपकली या तो गिर जाएगी या तो भाग जाएगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप हर वक्त छिपकली को इस तरह से नहीं कर सकते, स्प्रे नहीं कर सकते उसके सामने जाकर। तो फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा असरदार केरोसिन ऑयल को भी आप देखिए करके जगह जगह रख सकते हैं, जहाँ छिपकली स्मेल आसान हो जाएगी और छिपकली मिलेगा, नहीं भाग जाएगी। तो ऐसी टिप्स के लिए